आप लोगों ने सी में भी पढ़ रखा है कंडीशनल स्टेटमेंट, लाइक एज इफ एल्स एल्स इफ स्विच, ये सारे आपके कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं. एंड बेसिकली वी आर यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बेस्ड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस. हमारे पास ये कंडीशन मिला हुआ तो हम ये करेंगे, ये कंडीशन मिला है तो ये करेंगे. तो जो भी हमारा एक्शन होता है, जो भी हमारा कार्य करने की प्रणाली होती है, जो भी हम करना चाह रहे हैं, वो सारा डिपेंड होता है कंडीशंस पे. ठीक है, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में कंडीशन की बात पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहला इफ, एल्स, else if and switch. ठीक है, तो ये चार चीजें की बात करेंगे. अब बेसिक इंट्रो तो आपको पता ही होगा, व्हाट इज इफ, व्हाट इज एल्स. इफ में जो कंडीशंस होती है वो कंडीशंस डालते हैं, अगर कंडीशंस मैच करता है देन ब्लॉक ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड. एल्स में क्या है, अगर कंडीशंस फॉल्स होगा तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. एल्स इफ स्पेसिफाई करेगा न्यू कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए अगर पहला कंडीशंस हमारा फॉल्स होता है. और स्विच में हम अल्टरनेट ब्लॉक करते हैं या अल्टरनेट ब्लॉक्स ऑफ कोड होता है एग्जीक्यूशंस के लिए. ठीक है, तो अभी हम समझ लें इफ एल्स और एल्स, उसके बाद हम आएंगे स्विच पे. सेम वही सिंटैक्स जो आपका सी में था कि इफ, इफ के अंदर हम कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड देन ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट. Then block of code will be executed. और ध्यान में रखना है कि केस सेंसिटिविटी है, इसको स्मॉल इफ ही लिखेंगे, कैपिटल इफ लिखेंगे तो आपका एरर जनरेट करेगा. एल्स में क्या है, this one is the case of if. else mein kya karein, so again if, if ke andar condition humne likha, agar condition satisfied then block of code will be executed if condition satisfied. या इफ कंडीशन इज ट्रू, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कहां पे आएंगे, एल्स में, और एल्स की बॉडी के अंदर हम एल्स का कोड लिखेंगे. मींस अगर कंडीशंस फॉल्स होती है then block of code will be executed. तो ये कहानी हो गई हमारी else. अगली कहानी एल्स इफ. सो इफ, इफ के अंदर कंडीशन, पहला कंडीशन डाला एंड दिस वन इज द बॉडी ऑफ इफ.
अगर कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है देन वी विल गो इनसाइड द एल्स इफ एंड हियर वी अगेन पुट आवर सेकंड कंडीशन. After that, this second block of code will be executed. लेकिन अगर ये भी condition satisfy नहीं कर रहा है, then we go into the else and else body will be executed. ठीक है. So this one is the syntax of else if. उसी तरीके से हमारा स्विच का क्या सिंटैक्स है, वी राइट कीवर्ड स्विच इनसाइड स्विच हम एक्सप्रेशन पास करेंगे, स्विच की बॉडी ओपन होगी और इस बॉडी के अंदर हम केस लिखेंगे. मान लीजिए केस एक्स कॉलन आफ्टर दैट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कोड. ठीक है. देन वी यूज अ ब्रेक कीवर्ड अगेन वी टेक अनदर केस सेम कहानी. और यही कहानी हमारी चलती चली जाएगी. लास्ट में वी कैन ऐड डिफॉल्ट, दिस वन इज ऑप्शनल. मन कर रहा तो करिए, नहीं मन कर रहा तो मत करिए. So this one is the syntax of switch statement. जो यहां पे हमने ब्रेक कीवर्ड लगाया स्विच के अंदर, कहानी तो आप लोगों को पता ही होगी. So जब भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर हमारा ब्रेक के अंदर पहुंचता ब्रेक तक पहुंचता है या फिर व्हेन जावास्क्रिप्ट रीच अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक आउट द स्विच ब्लॉक. मतलब ये क्या करेगा, दिस विल एग्जॉप्ट स्टॉप द एग्जीक्यूशंस इनसाइड द स्विच ब्लॉक. अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप ब्रेक कीवर्ड लगाए ही, नहीं भी लगा सकते हैं. नहीं लगाएंगे तो आपका कुछ गार्बेज वैल्यू आएगा. लेकिन लास्ट वाला जो स्विच है उसमें लगाए या ना लगाए कोई दिक्कत नहीं पड़ता है. ठीक है. सो दिस वन इज नॉट नेसेसरी टू ब्रेक द लास्ट केस इन द स्विच ब्लॉक, क्योंकि ऑलरेडी फिनिश हो ही रहा है. तो लास्ट केस जो होता है उसमें ब्रेक लगाने की कोई जरूरत नहीं हमें. अगर हम ब्रेक नहीं लगाते हैं तो ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट केस विल बी एग्जीक्यूटेड इवन इफ द इवैल्यूएशन डज नॉट मैच द केस. समझ रहे हैं कि अगर आपका केस मैच नहीं करेगा फिर भी एग्जीक्यूशन. मान लीजिए एक्स पे आपने ब्रेक नहीं लगाया और केस एक्स मैच हुआ तो केस एक्स का ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा, साथ में वाई का भी होगा और डिफॉल्ट का भी होगा. अगर आपने केस एक्स में ब्रेक लगा दिया तो केवल एक्स का ही एग्जीक्यूशन होगा.
ठीक है, डिफॉल्ट का क्या मतलब है जो हमने लास्ट में डिफॉल्ट लगाया है. सो डिफॉल्ट कीवर्ड हमारा स्पेसिफाई करता है द कोड टू रन इफ देयर इज नो केस मैच. अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं करता है, अगर हमारा कोई भी केस मैच नहीं करता है देन डिफॉल्ट कीवर्ड विल रन. तो ये सारी कहानी हो गई आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट की. अब प्रोग्राम आप लोग खुद बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से कंडीशन लगाते हैं.